नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर आपके अपने इस YouTube चैनल भारतीय वीगन पर। आज हम बात करने वाले हैं पक्षियों के बारे में। क्या हमें पक्षियों को आजाद करना चाहिए? क्या ये नैतिक है? और क्या ऐसा करना पक्षियों के लिए अच्छा है? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जिनको ये लगता है कि पक्षियों को आजाद कर देना चाहिए। जो भी पक्षी पिंजरे में बंद है लोगों के पास, उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो वो ये करते हैं कि वो दुकान पे जाते हैं, उन्हें उन दुकान वालों को पैसे देते हैं और पक्षियों को छुड़वा देते हैं। उनमें कभी कभी लोग बजीस को छुड़वा देते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की जो पैरेट है छोटी, स्क्रीन पर आपको दिखेगा उसका तस्वीर। और दूसरी कुछ फिंचेस है, कुछ चिड़ियाएं हैं, और बहुत सारे लोग कबूतरों को छुड़वा देते हैं पैसे देकर। और ये दुकान वाले जो अपना धंधा लेकर बैठे हैं, वो करते ये है कि वो बहुत सारे कबूतर, जो आवारा जो नॉर्मल कबूतर है, शहरी कबूतर, उन्हें पकड़ के वो पिंजरे में डाल देते हैं और उन्हें आज़ाद करने के वो कम पैसे लेते हैं। तो अक्सर लोग जाते हैं, जो पुण्य कमाना चाहते हैं वो जाते हैं उनके पास, उन्हें पैसे देते हैं और उन कबूतरों को आजाद करवा देते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि अगर आप उन्हें पैसे ना दे और आप उन कबूतरों को, जिन्हें इन लोगों ने पकड़ा ही इस मकसद से है कि कोई आएगा पैसे देगा और उन्हें छुड़ाएगा, वो ये करेंगे ही नहीं। अगर बहुत समय तक कोई उनके पास नहीं जाता पैसे देने के लिए, उन कबूतरों को आजाद करने के लिए, तो वो उन कबूतरों को पहली बात पकड़ेंगे ही नहीं और इन जानवरों को तकलीफ ही नहीं होगी। और रहा सवाल दूसरे पक्षियों का, जैसे बजी हो गए, ऑस्ट्रेलिया के कुछ पक्षी है, और बहुत सारे फिंचेस हो गई, यानी कि चिड़िया छोटी छोटी, तो देखिए इन्हें छोड़ना गलत हो जाएगा। समझाता हूं क्यों। देखिए, मैंने पहले अपनी वीडियोस में कहा है कि पक्षियों को आजाद रहना चाहिए, पक्षियों को उनके वातावरण में रहना चाहिए जहां वो होने चाहिए, जो उनका जो प्राकृतिक वातावरण है वहां। जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो बजी है, उन्हें ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के जैसे कुछ पक्षी है, कॉकाटू है, गला है, बजी है, फिर कॉकटेल है, ये सब ऑस्ट्रेलिया के पक्षी है, और भी बहुत सारे अनगिनत बहुत खूबसूरत पक्षी पाए जाते हैं वहां पे। तो जो भी ऑस्ट्रेलिया के है, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आजाद रहना चाहिए। जो अफ्रीका के है, जैसे कि अफ्रीकन लव बर्ड और अफ्रीकन मकाव, अफ्रीकन ग्रे, इन्हें अफ्रीका में रहना चाहिए। और साउथ अमेरिका के कुछ पक्षी है, उनमें से है कोन्यूर और बहुत सारे ऐसे, ये मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं आपको। और इंडिया के हमारे पक्षी, इंडियन रिंग नेक, और जिसे रोज रिंग भी कहते हैं, मस्टैच पैराकीट या रोज ब्रेस्टेड पैराकीट, अलेक्जेंड्रीन पैराकीट, प्लम हेडेड पैराकीट करके एक है, ये चार तोते इंडिया के हैं, इन्हें इंडिया के जंगलों में होना चाहिए। और बहुत सारी दूसरी चिड़िया है, जैसे मैना है, और दो फिंचेस मैं जानता हूं, एक स्पाइस फिंच है, एक स्ट्रॉबेरी फिंच है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो भी जीव, जो भी पक्षी उसके प्राकृतिक वातावरण में है, उन्हें वहां छोड़ देना चाहिए। जैसे जो भी पक्षियों का नाम, जिन भी पक्षियों का नाम मैंने इंडिया के पक्षियों में लिया, जैसे ये चार तोते, अलेक्जेंड्रीन पैराकीट, रोज रिंग या रिंगनेक पैराकीट,
मस्टैच पैराकीट या रोज ब्रेस्टेड पैराकीट या प्लम हेडेड पैराकीट, ये चार तोते और दो अलग अलग फिंच, स्पाइस फिंच, स्ट्रॉबेरी फिंच और मैना, ये सारे जो भी प्राकृतिक यहाँ के हैं उन्हें यहाँ पे वाइल्ड लाइफ अधिकारियों को दे देना चाहिए। उन्हें हम अपने मर्जी से आजाद करेंगे तो होगा ये कि कौवे उन्हें मार देंगे। अगर आप जिस इलाके में आप रहते हैं वहां पे तोते आपको बहुत सारे उड़ते हुए नजर आते हैं और वो सेम वैसा ही तोता है जो आपके घर में पला हुआ है, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उसे आजाद कर दे, उनके साथ छोड़ दे, क्योंकि वहां पर उन तोतों के बीच में जंगल में जहां उन्हें होना चाहिए वहां पर वो तोता बहुत ज्यादा खुश रहेगा बजाय एक छोटे से पिंजरे के। और रहा सवाल बाहर के पक्षियों का, बजीज का, जिब्रा फिंच का, ये जो ऑस्ट्रेलिया के है, बाहर के है जो भी, उन्हें कृपया करके ना छोड़े इंडिया में या कहीं पे भी उन्हें नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि ये नहीं जी पाएंगे। ये बाहर के हैं और इनमें ऐसे ऐसे म्यूटेशन या अलग अलग कलर निकाल दिए हैं कि वो जंगली जैसे दिखते भी नहीं है उनको। जैसे ऑस्ट्रेलिया का बजी हरा होता है प्राकृतिक तौर पे, लेकिन इंसानों ने उसकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके उनके अंदर बहुत सारे कलर निकाला है। तो इन्हें ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप छोड़ोगे, हरे के अलावा दूसरे कलर वाले बजी अगर आप उन्हें ऑस्ट्रेलिया में भी छोड़ते हैं तो ये वहां पे नहीं जी पाएंगे। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि पक्षियों के लिए हम बेहतर से बेहतर चीज ये कर सकते हैं अभी कि जो यहाँ के हैं उन्हें यहाँ छोड़ दो और जो बाहर के हैं उन्हें बेहतर से बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करो। जैसे बाहर का कोई भी तोता अगर आपने रख लिया है तो कोई बात नहीं, आपको पहले नहीं पता था कि पेट ट्रेड बुरी चीज है, जो जानवरों का जो व्यापार है वो बुरा है, आपको नहीं पता था, आपने उस टाइम पे खरीद लिया, कोई बात नहीं, ये आपका जो भूतकाल में जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब हम उन्हें इस तरह सुधारे कि हम उन पक्षियों को बेहतर से बेहतर जिंदगी दें और जो पक्षी आपके पास है कोशिश करें कि आप उन्हें सारी चीजें मुहैया करने की कोशिश करें, आप उनके लिए बड़ा पिंजरा रखें और उन्हें उनके साथ सोशलाइज करने की कोशिश करें ताकि वो खुश मिजाजी से जी सके और वो आपसे डरे ना, और अच्छे से अच्छा खाना देने की कोशिश करें और ब्रीडिंग बॉक्स न लगाए, उन्हें ब्रीड मत कीजिए। अगर आपके पास बजी, कॉकटेल या कोई भी पक्षी है जो ब्रीड कर रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो वो अंडे जब देते हैं तो जो उनका जो अंडा है उसे हटाकर आप वहां पे प्लास्टिक का उसी सेम साइज का अंडा रख दें या फिर लकड़ी का अंडा ऐसा मार्केट में मिलता भी है वो लेके रख दें। तो इससे होगा ये कि वो मादा उस पे बैठेगी फिर बाद में वो उठ जाएगी और उसका वहां से मन उठ जाएगा और वो बच्चे नहीं देगी। तो जो कैद में पैदा हुए पक्षी हैं उनकी नस्ल को रोक दे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है पक्षियों को वहां होना चाहिए जहां वो रहते हैं प्राकृतिक तौर पे, पिंजरे में नहीं, तो हम उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं। जो कैद हो गए, जिन्होंने जो कैद अवस्था में पैदा हो गए वो हो गए, लेकिन हमें और आगे इन्हें पैदा नहीं करना है। तो इस वीडियो का तात्पर्य यही है कि कृपया करके आंख बंद करके पक्षियों को आजाद कराने मत जाइए, पेट ट्रेडर्स को पैसे तो बिल्कुल मत दीजिए, और जो भी पक्षी कैद में हैं वो अगर इंडिया के हैं तो वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी यानी कि जो वन्य जीवन अधिकारी है उन्हें उन पक्षियों को सौंप दे, वो उन्हें जहां पे आजाद करना चाहिए वहां उन्हें आजाद कर देंगे, और अगर वो बाहर के हैं तो उन्हें अच्छा से अच्छा जीवन प्रदान करने की कोशिश करें। इस वीडियो को शेयर करें, मेरी बात को लोगों तक पहुंचाएं, और जो पक्षी जो यहाँ आजाद नहीं हो सकते, जिन्हें आजाद नहीं करना चाहिए, उन्हें मरने से बचाएं, क्योंकि आप अगर उन्हें आजाद करेंगे
तो आप उन्हें मार रहे हैं। जैसे आपने बजी को छोड़ा, कौवे उन्हें फटाक से मार देंगे। कोई भी बाहर का पक्षी आप यहाँ पे छोड़ोगे, उन्हें कौवे मार देंगे। अगर कौवे नहीं भी मार पाते और वो किसी जंगल में भी जाते हैं तो वो भूख से मर जाएंगे, क्योंकि ये उनका प्राकृतिक वातावरण नहीं है और ना उनको खाना तलाश करना आता है मन से। और अगर यहाँ के पक्षियों को अगर आप छोड़ देंगे तो होगा ये कि यहीं के पक्षी है वो, तो वो अपने साथियों को तलाश कर लेंगे और उन्हें देख के वो सीख जाएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन अगर बाहर का पक्षी है तो उन्हें उनके साथी तो मिलेंगे ही नहीं, अकेले अकेले बैठकर वो कहीं पर भी भूख से मर जाएंगे और इसका पुण्य कमाने की जगह आप पाप कर बैठोगे। बहुत से लोगों ने ये किया होगा जाने अनजाने में, पर अब आपको उम्मीद करता हूं कि पता चल गया होगा कि बाहर के पक्षियों को यहाँ उड़ाना बुरा है, उनके लिए पुण्य नहीं है। दुकान वालों को पैसे देके पक्षी आजाद कराना बेकार है, उल्टा आप उस बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हो जो उन्हें, जिस बिजनेस ने उन्हें कैद किया है। और आपके पास पहले से पक्षी हैं, उन्हें अच्छा से अच्छा जीवन प्रदान करने की पूरी कोशिश करें, जैसा कि मैं कोशिश करता हूं अपने पक्षियों को अच्छा से अच्छा जीवन प्रदान करने की। जैसे मेरे पास कॉकटेल है जो मैंने खरीदा था बदकिस्मती से, लेकिन तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि ये गलत है, और मेरे पास एक बजी भी है। पहले भी मैंने बजी रखे थे, मेरे पास दो थे जो अपना पूरा जीवन जी कर मर चुके हैं, लेकिन अभी जो मेरे पास जीवित है मैं उन्हें पूरी कोशिश करता हूँ अच्छा जीवन देने की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं इस तरह से उन्हें रखता हूँ एक बड़े से डाल पर आजाद घर में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। शेयर करके इस एक्टिविज्म में भाग लीजिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।